हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी'स लाइव इंटरैक्शन. दिस इज सिमरन सिंह. यू आर वाचिंग अस थ्रू पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एनसीईआरटी ऑफिशियल. बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेस सेशन ऑन मैथमेटिक्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू अस, देन यू हैव आर कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, दैट इज 8800440559. बिसाइड्स वी हैव आर ऑफिशियल मेल आई डी फॉर क्लास 10th. That is dth.class10@cieet.nic.in. As I already informed that the session is for class 10th, mathematics is the subject. So what is our topic of discussion today? It is probability part 1. And for that, we are also joined by an expert. Let me introduce her to you. We have with us Ms. Savita Gragji. Namaste ma'am. Welcome to NCERT. Namaste Simran, and a very good afternoon to all of our viewers. Ji, ma'am is a teacher at Geeta Niketan Avasiya Vidyalayas, has joined in from Salarpur, Kurukshetra. Ma'am, let's learn simply from you what we'll be learning in today's session. Okay, so the session for today, it is probability. And of course, this name is just telling us about that what is going to happen and what will not happen. फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे लगता है कि द इट इज क्लाउडी आउटसाइड. तो क्लाउडी होता है तो हम वी कैन से कि हो सकता है अभी बारिश हो जाए, इट विल रेन, और हो सकता है कि बारिश ना हो. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने है फ्रॉम आर रियल लाइफ कि जब हम ट्राई कर रहे हैं टू पुट अ बॉल इन द बास्केट, सो वट विल हैपन, देर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि हमने थ्रो किया और बॉल इमीडिएट जो है वो आपकी हिट कर जाए, बास्केट के अंदर चली जाए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बाहर चली जाए. सो दिस विल बी नोन एज चांसेस और प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली, इफ अ बैट्समैन इज देयर एंड ही हैज टू हिट अ बॉल, सो बिफोर हिटिंग द बॉल इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल कि क्या होगा. हो सकता है 6, हो सकता है 4, हो सकता है आउट. सो इस तरह के जो चांसेस हैं, इन चांसेस से रिलेटेड टॉपिक को ही हम डिस्कस करेंगे अंडर आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी. डिफाइन करते हैं कुछ एक टर्म्स को जो रिलेटेड हैं प्रोबेबिलिटी से. अंडर माय वन ऑफ द प्रीवियस सेशन एक बच्चे ने मेंशन किया था कि मैम प्लीज थोड़ा सा हिंदी में डिस्कस किया कीजिए. तो मैं आपके साथ कुछ एक टर्मोलॉजी जो है वो भी हिंदी में डिस्कस जरूर करने की कोशिश करूंगी. सो द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रायिकता. तो प्रायिकता से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन वेल डिफाइंड आउटकम्स. वेल डिफाइंड आउटकम्स मीन्स अगर मेरे हाथ में एक डाई है, लूडो जिससे आप खेलते हैं, तो डाई को जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास वेल डिफाइंड आउटकम्स पहले से हैं, एंड दीज आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इन्हीं 6 आउटकम्स में से कोई ना कोई आउटकम जो है वहां पर होगा. तो ये जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स है, दिस इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. हमें पता तो है पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं. जैसे एक डाई को टॉस करने पर वी नो दैट द पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. बट हमें ये नहीं पता कि अभी जब हम टॉस करने वाले हैं तो क्या रिजल्ट, क्या आउटकम एग्जैक्टली आने वाला है. तो इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ मैच. टॉस होता है तो टॉस में या तो हेड आता है या तो टेल आता है. सो बिफोर टॉसिंग दैट हमें नहीं पता कि कौन सी टीम जो है वो टॉस जीतने वाली है. तो दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. हमें पॉसिबल आउटकम्स पता है कि ये दो ही हो सकते हैं, बट उनमें से विच आउटकम विल बी द रिजल्टिंग आउटकम दैट इज नॉट नोन टू अस इन एडवांस. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल वी जस्ट हैव डिस्कस्ड कि अगर एक अनबायस्ड, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनबायस्ड कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आएगा या तो टेल. ऐसे ही इफ वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से जब हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे तो वो कार्ड किसी भी सूट का हो सकता है. मींस द कार्ड कैन बी रेड, द कार्ड कैन बी ब्लैक,
द कार्ड कैन बी स्पेड और क्लब और डायमंड. तो जब हम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम एक बार जरूर डिस्कस करेंगे कि इन 52 कार्ड्स को आगे हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. अब व्हाट इज अ ट्रायल? अब हम रेंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी को ट्रायल कहते हैं. जैसे मैंने एक डाई लिया और उसको टॉस करने की जब हम कर रहे हैं कोशिश, तो दिस इज अ ट्रायल, आई एम मेकिंग अ ट्रायल. ओके, नाउ व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज सिंपली ऑल द पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं. जैसे किसी बैग के अंदर आई एम सेइंग देयर इज वन रेड बॉल, देयर इज वन ग्रीन बॉल, देयर इज वन ब्लैक बॉल, देयर इज वन येलो बॉल. तो सैंपल स्पेस विल बी व्हाट? सैंपल स्पेस विल बी शोइंग ऑल ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स. एंड द सैंपल स्पेस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एस, एज वी हैव शोन हियर. एंड वन मोर एग्जांपल हैज बीन गिवन कि अगर हम दो कॉइंस को टॉस करते हैं, दो कॉइंस सिमल्टेनियसली इकट्ठे एक साथ, तो देखिए क्या होगा डियर व्यूअर्स. पहले कॉइन पर हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए. ऐसे ही दूसरे कॉइन पर भी इट कैन बी अ हेड और इट कैन बी अ टेल. तो पहले कॉइन पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन पर भी हेड और टेल. तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट कॉइन पर तो हेड आए बट सेकेंड कॉइन पर भी हेड आ जाए. फर्स्ट कॉइन पर हेड लेकिन सेकेंड कॉइन पर क्या आ जाए? एक टेल आ जाए. ऐसे ही फर्स्ट कॉइन पर टेल, सेकेंड पर हेड एंड टेल टेल. सो देयर विल बी फोर पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. कुछ बच्चे यहाँ मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो हेड टेल और टेल टेल को दो डिफरेंट आउटकम्स ना मानकर एक ही आउटकम मान लेते. तो हमें पता होना चाहिए हेड टेल का मतलब है head on the first coin and tail on the other one, and tail head means tail on the first coin and head on the second. Okay, अब discuss करते हैं एक event को और different types of events. Event जैसा आप real life में भी देखते हो, कोई event होना है, whether it is any tournament related to football, football event or whatsoever, तो जो भी काम होने जा रहा है उसी को ही event बोलेंगे. जैसे एक कॉइन को टॉस करने पर, और लेट अस डिस्कस टू कॉइंस को टॉस करने पर, हमने डिस्कस किया सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल केसेस होंगे फोर. दीज को तो इवेंट किसे कहेंगे? एंड आई एम टॉसिंग अ कॉइन, और पहले से ही एक सबसेट, एक बात माइंड में रखनी जाती है कि दोनों हेड आ जाए, बोथ ऑफ द वैल्यूज विल बी हेड. तो हमारा जो इवेंट है, लेट दिस इवेंट बी रिटर्न एज इवेंट ई, और हमारा इवेंट क्या होगा? दैट इज एच एच ओनली. ओके, सो एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस और एन आउटकम ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट, रेंडम एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट इज नॉन एज एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉसिंग टू कॉइंस, दो कॉइन टॉस कर रही हूँ, और दो कॉइन टॉस करने पर मैं कहती हूँ कि हमें इवेंट मानना है एक ऐसे केस को जिस केस के अंदर तीन हेड्स आ जाएं. तो हम कॉइन टॉस कर रहे हैं टू, तो थ्री हेड्स तो आने पॉसिबल ही नहीं है. तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं नल इवेंट, दिस इज नॉन एज नल इवेंट. अब हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज नल इवेंट. नल इवेंट को हम शो करते हैं बाय फाइ, this is a symbol known as phi, phi, and this will be known as null event, जिसके अंदर एक भी outcome possible ना हो. For example, I'm saying कि हमने एक die को toss किया, तो single die toss करने पर there are six possible outcomes, and I'm saying find the probability or event E is the event under which we have to find out a number greater than six. तो जब एक डाई टॉस कर रहे हैं, सिक्स से ग्रेटर नंबर पॉसिबल ही नहीं है, अंटिल और अनलेस ये कुछ अलग तरह की डाई नहीं है. फॉर अ नॉर्मल डाई वन से सिक्स ओनली इतने ही आउटकम्स पॉसिबल हैं, देयरफॉर दैट विल बी नॉन एज नल इवेंट. नाउ द नेक्स्ट इज श्योर इवेंट.
श्योर इवेंट इज द इवेंट अंडर विच ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स विल बी कवर्ड, ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स मीन्स फॉर द श्योर इवेंट आई मस्ट से दिस इज एन इवेंट अंडर विच 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल द केसेस विल बी कवर्ड. मैंने आपको बोला कि एफ इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ डाई. एक डाई को सिंगल टाइम टॉस करने पर एफ वो इवेंट है जो 7 से कम आउटकम को शो करता है. तो ये सभी आउटकम्स वेदर इट इज 1, 2, 3 ये सभी आउटकम्स जो है 7 से लेस हैं. देयरफॉर एफ के एफ हमारा जो इवेंट है उसके अंदर ये सभी आउटकम्स पॉसिबल हैं 1 से 6 तक. तो इस इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट. आफ्टर दिस अ सिंपल इवेंट, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी इवेंट ई जिसके अंदर एक ही आउटकम आ रहा था एंड दैट आउटकम इज हेड ऑन बोथ ऑफ द कॉइंस. सो कोई भी ऐसा इवेंट विच इज हैविंग एग्जैक्टली वन आउटकम विल बी नॉन एज अ सिंपल इवेंट. और सिंपल इवेंट के बाद कंपाउंड इवेंट मीन्स एनी आउटकम हैविंग मोर देन वन आउटकम विच इज द कंपोजिशन ऑफ मेनी सिंपल इवेंट्स. Next point which we will like to discuss, it is favorable cases and next to that is exhaustive. देखिए favorable cases and exhaustive cases, इन दोनों की discussion हम करते हैं. Example अभी हम एक ले लेते हैं, यही कि हमने two coins को एक साथ toss किया है और two coins को एक साथ toss करने पर जो possible sample space है वो हमारे सामने है, that is this sample space S. तो exhaustive cases means all of the possible outcomes. जितने भी total possible cases हैं कोई experiment होने पर तो वो सभी exhaustive cases में count होंगे. और favorable cases या favorable event हम क्या किसे कहेंगे, इसके लिए एक छोटा सा example लेते हैं. जैसे मान लीजिए मेरी class में total 40 students पढ़ते हैं, उन 40 students में से मैंने कोई maths का test लिया and that test is of 100 marks. इस 100 मार्क्स के टेस्ट को लेने के बाद मैं क्लास में जाती हूँ और क्लास में जाकर बोलती हूँ कि देयर आर 16 स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स. मोर देन और इक्वल टू मोर देन, लेट मी से ओनली मोर देन 90% मार्क्स. तो बच्चों के मन में उस टाइम क्या चल रहा होता है, काश मेरे 90% प्लस हों. जिस बच्चे के 85 भी होंगे वो भी माइंड में थोड़ा सा सोचता रहता है कि आई कैन बी वन ऑफ दीज 16. तो फेवरेबल केसेस हम उस चीज को बोलते हैं जिसकी फेवर में बात चल रही है. यहाँ पर ये जो 16 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 90% आए दोज विल बी ट्रीटेड एज फेवरेबल केसेस. ऐसे ही मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन आया एंड लेट दैट बी अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन. पेंटिंग कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट करना है किसी भी एक स्टूडेंट को और उसके लिए हम रेंडम सेलेक्शन जो कर रहे हैं, आई एम सेइंग कि आई विल सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हुज नेम इज स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट एस. विद द अल्फाबेट एस एक ही बच्चे को सेलेक्ट करना है. ये डिसाइड कर दिया गया कि जिनके नेम एस से शुरू होते हैं उन्हीं में से कोई एक बच्चा होगा. और अगर मेरी क्लास में एस अल्फाबेट से शुरू होने वाले नाम के टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं so favorable cases will be 6. वो 6 के 6 favorable हैं. Finally choose एक बच्चा करना है तो these 6 will be known as the favorable cases. Okay? After this the next is mutually exclusive events. अब यहाँ पर word लिखा है events, not a single event, it is events. जब एक से ज्यादा event की बात हो रही है और वो जो events है उनमें आपस में कुछ भी common नहीं आ रहा. Okay? इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल से. जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया ट्वाइस, वी आर गेटिंग दीज 4 पॉसिबल केसेस. आई एम सेइंग ई इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. एग्जैक्टली वन हेड का मतलब ओनली 2 फेवरेबल केसेस विल बी देयर, टी एच एच डी. आई एम अगेन रिपीटिंग that F is another event in which there are exactly 2 tails. So 2 tails means TT.
हम बात करें ई और एफ इवेंट की, क्या इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन आ रहा है? तो देर इज नॉट इवन अ सिंगल आउटकम कॉमन. इवेंट ई के आउटकम्स अलग हैं, इवेंट एफ में अलग आउटकम्स हैं. तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एंड नेक्स्ट टू दिस इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब इक्वली लाइकली वर्ड को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक डायलॉग और एक सीन थोड़ा सा एक मूवी का याद करते हैं. दिस इज द मूवी, अ वेरी ओल्ड वन, शोले. तो शोले मूवी में हमने देखा है अमिताभ इज देयर एंड वन मोर एक्टर धर्मेंद्र इज देयर. तो अमिताभ वॉज हैविंग अ कॉइन, उनके पास एक कॉइन होता है और वो कोई भी जब उनकी लड़ाई हो रही है गब्बर से या कुछ भी, वो कहते हैं कि लेट मी टॉस द कॉइन, और कॉइन पर अगर हेड आता है तो मैं यहाँ रुकूंगा लड़ने के लिए और तुम चले जाओगे, अगर कॉइन पर टेल आता है तो तुम रुकोगे एंड आई विल गो. तो धर्मेंद्र से ओके. और होता क्या है, फाइनली इन द लास्ट ऑफ द मूवी क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि दैट इज अ कॉइन जिसके दोनों ही फेसेस पर क्या था, हेड था. सो इन दैट केस इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते थे. दैट इज अ बायस्ड कॉइन, दैट इज नॉट अनबायस्ड. बायस्ड क्यों था, क्योंकि वहां पर पहले से डिसाइडेड था अमिताभ नोज कि जो मैं बोल रहा हूँ होना वही है, क्योंकि दोनों ही साइड हेड है तो हेड ही आएगा टॉस करने पर, और जो मैं कंडीशन रख रहा हूँ वही कंडीशन फुलफिल होगी. तो दोनों के वहां पर रुकने के इक्वली लाइकली चांसेस नहीं थे. तो ऐसा केस जहां पर इक्वली लाइकली इवेंट हो, जैसे अगर हम क्रिकेट में कॉइन को टॉस करते हैं तो दैट विल बी नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट. आई होप इक्वली लाइकली वर्ड एंड ऑल द टाइप्स बी क्लियर टू आवर व्यूअर्स. आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस probability of an event. probability अगर निकालनी है किसी भी काम के होने के, chances अगर निकालने हैं तो वो क्या possible chances होंगे. जैसे अभी बात हो रही थी अमिताभ एंड दिस कॉइन, तो अमिताभ की फेवर में ही था सब कुछ, इसका मतलब probability will be 100%. And 100% means 100 upon 100 which can be rewritten as 1. Okay. तो अगर हमारे पास किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल एग्जॉस्टिव केसेस हैं n, टोटल फेवरेबल केसेस हैं m टू एनी इवेंट e, किसी इवेंट e के हैपन होने के फेवर में जो केसेस हैं दोज आर m, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, दैट इज m अपॉन n. और वी कैन सिंपली से कि किसी भी इवेंट के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, और वी कैन से टोटल एग्जॉस्टिव केसेस. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमारे पास वन मार्क में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है. द फर्स्ट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन. जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम प्लस करते हैं द फाइनल आंसर विल बी वन. यानी हमें समझ आ जाना चाहिए कभी भी किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा नहीं होती. और इसमें अगर हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो दिस सेकंड पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल इवेंट. देखो अभी हमने डिस्कस किया था नल इवेंट इज द इवेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता. इट इज एन इवेंट विच इज ऑलवेज एम्प्टी, एम्प्टी, अंदर कोई एलिमेंट नहीं. तो अगर एक भी आउटकम ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, जीरो. और उसके बाद हमने डिस्कस किया श्योर इवेंट जो सभी पॉसिबल आउटकम्स को कंटेन करता है. तो अगर मैं कहती हूँ कि एक कॉइन को हमने टॉस किया और मैं जीत जाऊंगी अगर हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, दोनों ही केसेस में आई एम सेइंग कि मैं जीत जाऊंगी, आई विल विन हेड आने पर या तो टेल आने पर. तो दिस विल बी नॉन एज अ श्योर इवेंट, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%, दैट मीन्स 1. एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, इफ ई इज एन इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और इट विल बी इक्वल्स टू 0, एंड इट विल बी लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1. किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो से ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकती. इफ आई एम सेइंग इट विल रेन टुडे, इट मे रेन टुडे आई मस्ट से,
तो हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश का कुछ और मतलब नीचे से ऊपर जाए या कुछ अलग हो जाए, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती। तो डायरेक्टली 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन डैश एंड डैश इंक्लूडिंग डैश एंड डैश, सो द आंसर विल बी 0 and 1। एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉट ई। ओके, किसी काम का होना और उसके ना होना दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होगा, 1। जैसे एक कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करने पर फेवरेबल केस हेड की फेवर में 1 है और टोटल केसेस हैं 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल 1/2, एंड व्हाट इज द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज, दिस विल बी 2/2 और वी कैन से 1। तो किसी काम का होना और ना होना दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया ये हमने कंप्लीट बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया है एज पर एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 10। और अभी कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड, दिस वर्ड विल बी मेंशन्ड। अनबायस्ड मतलब अगर हमने डाई को टॉस किया, कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि ये वाले डाई में तो बार बार ना टू ही आता रहता है, तो दैट इज अ बायस्ड वन। अनबायस्ड का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल द 6 केसेस के आने के इक्वल चांसेस हैं। अब हमें क्या करना है, देयर आर 6 डिफरेंट पार्ट्स, तो हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। द फर्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, एग्जैक्टली 4 के आने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करने हैं, यानी इवेंट ई इज गेटिंग अ नंबर 4। तो इवेंट ई के अंडर एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट एलिमेंट इज 4, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/6। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। यस मैम, वी विल ट्राई टू मेक इट क्विक एज वी आर लेफ्ट बाय द लास्ट 2 मिनट्स। जी बिल्कुल। सो एक ही पॉसिबल फेवरेबल केस यहाँ पर एक है और वो फेवरेबल केस है दिस आउटकम 4। देयरफॉर वी हैव टेकन द न्यूमरेटर टू बी 1 एंड द डिनोमिनेटर विल बी एग्जॉस्टिव केसेस एंड एग्जॉस्टिव केसेस आर 6। देयरफॉर आवर आंसर इज 1/6। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 3। हमें अपने फेवरेबल केस को बहुत अच्छे से समझना है, फेवरेबल केस में किसकी फेवर में हमें टास्क करना है। अब किसकी फेवर में हमें टास्क करना है, गेटिंग अ नंबर अदर देन 3। तो अगर हम बात करते हैं, एफ वो इवेंट है जिसके अंडर हम वो सब नंबर्स लिखेंगे जो 3 ना होकर कुछ भी हो सकते हैं, सो 3 को छोड़कर ऑल अदर 1, 2, 4, 5, 6 दीज आर द फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट एफ। And what will be the probability of F? It will be then 5/6. Then find the probability of getting an even number. अब हमें सभी concepts पता होने चाहिए जो हमने discuss किए हैं अपनी छोटी classes में। Even number, all the numbers which are divisible by 2. So there are 3 even numbers, 2, 4 and 6. So what will be the probability of this event G? This will be 3/6, or we can rewrite it as 1/2. Then the fourth case is of getting a number less than 5. Yes, ma'am. Could we please take these questions in one of our other sessions? Give me 1 minute only. I would like to discuss the last 2 parts, and then we will come. Okay, ma'am. Please make it quick. जी. So this can be done by our viewers easily of getting a number less than 5. 1, 2, 3, 4. अभी हम 1 मिनट में ये लास्ट जो पार्ट है डिस्कस करेंगे, व्हाट इट इज ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ओवर अ मल्टीपल ऑफ 3। ओवर वर्ड जो है ये क्लियर करता है, अगर हम इस इवेंट को इवेंट इवन एज्यूम करते हैं, या तो नंबर होना चाहिए इवन या फिर डिविजिबल होना चाहिए 3 से।
तो थ्री से डिविजिबल दो नंबर होते हैं थ्री एंड सिक्स, लेकिन सिक्स को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे. टू थ्री फोर सिक्स, दीज आर दी फेवरेबल केसेस. और लास्ट पार्ट में और के प्लेस पर एंड यूज हुआ है. तो व्यूअर्स आपको बस इतना ही समझना है, और मीन्स आपको वो सभी केसेस लेने हैं जो पहली कंडीशन और या तो दूसरी कंडीशन को फुलफिल करें, लेकिन अगर एंड मेंशन है तो दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है. यानी नंबर इवन भी होना चाहिए एंड थ्री से डिविजिबल भी होना चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली होगी 1/6. वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन. श्योर, विल टेक ऑल आर अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच सविता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने प्रोबेबिलिटी के इस सेशन को बहुत मज़ेदार बनाया हमारे व्यूअर्स के लिए. आई होप इट विल टर्न आउट वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर स्टूडेंट्स वॉचिंग अस आउट देयर. थैंक यू सो मच सविता जी, एंड थैंक्स टू ऑल दोज हू हैव कनेक्टेड इन फॉर द सेशन. स्टे कनेक्टेड टू एनसीईआरटी. नमस्कार.